नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बस एक ही वर्ड डिस्कस करेंगे, एसेंट को। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति प्रदान करना, ऑफिशियल अग्रीमेंट देना, ऑफिशियली अग्रीमेंट देना किसी भी चीज का। तो इसको देखिए, ये 10% कोटा जो बिल है वो लॉ बन चुका है, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने इस पे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब देखिए क्या है इस आर्टिकल के अंतर्गत, क्या होगा इस जो एक्ट के अंतर्गत। आर्टिकल 15 और 16 में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 और 16 है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा और एक क्लॉज ऐड किया जाएगा। क्लॉज ऐड करने से क्या होगा कि सभी राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि वो स्पेशल प्रोविजंस प्रगति करने के लिए, जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, सिटीजन से उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार मिल जाएगा उनको। तो ये आर्टिकल 15-16 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज एसेंट। देखिए एसेंट उन्होंने दे दिया अपना, एसेंट मतलब स्वीकृति प्रदान कर दिया, ऑफिशियल अग्रीमेंट उन्होंने दे दिया अपना, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन। जो 10% रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधानिक प्रावधान है, उसके लिए 10% रिजर्वेशन के लिए इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन टू हुम, टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो भी इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में 10% आरक्षण के लिए ये अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है, ऑफिशियल एग्रीमेंट उन्होंने दे दिया है। तो रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज एसेंट। एसेंट ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट देना होता है तो उसको एसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसेंट वर्ड ही बस डिस्कस करना था। ये वीडियो का यहीं खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।